अजक हैं श्रीमती सविता, हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा, प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता, मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। जितना बन सके उतना गुरु की सेवा करना, गुरु की विनय करना, गुरु के पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित हो जाना, ये सच्चे शिष्य का कार्य होता है। जब समय मिले गुरु की अनुकूलता हो, गुरु के पैर दबा देना, गुरु की सेवा कर लेना, उनकी अनुकूल प्रवृत्ति कर लेना, यही तो शिष्य का काम है, और क्या। अब और थोड़ी सी जिज्ञासा उस शिष्य के भीतर उत्पन्न हुई और वो शिष्य पूछता है, वो व्यक्ति पूछता है, गुरुजी शिष्य के तो कर्तव्य कह दिए, आप गुरु के भी कर्तव्य बता दो ना। गुरु क्या होता है, तभी तो कोई शिष्य बनने का प्रयास करेगा। गुरु क्या होता है ये बताओ, गुरु के क्या कर्तव्य होते। उन्होंने कहा, गुरु का मात्र इतना ही काम होता है कि शिष्यों को आज्ञा दे, शिष्यों को ज्ञान दे, शिष्यों से काम करवाए, शिष्यों को लिए ये समझाए। वो खुश हो गया, वो व्यक्ति खुश हो गया और गुरु से कहता है, गुरुजी बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं सोच रहा था जीवन में कुछ ना कुछ बन जाऊँ, कुछ अच्छा बन जाऊँ, ये बहुत अच्छा और बहुत सस्ता उपाय आपने बता दिया कि आप जल्दी से मुझे गुरु बना दो, जल्दी से मुझे गुरु बना दो, सस्ता और टिकाऊ इलाज है। कहाँ सेवा करता रहूँ, कहाँ किसकी विनय करूँ, बस तखत पे बैठ के आज्ञा ही तो देनी है, मुझे गुरु बना दो। आज हर इंसान गुरु बनना चाहता है पर भूल रहा है, बिना शिष्य बने गुरु नहीं बना जा सकता, बिना शिष्य बने गुरु नहीं बना जा सकता। और गुरु का शिष्य बनने के बाद भी तुम्हारी गुरु के साथ बन नहीं रही है, ये विश्वास मानना, भीतर का तेरा गुरु खड़ा हुआ है, इसलिए तेरी गुरु के साथ कुछ बन नहीं रहे। आज पुनः कठोर शब्दों में कुंद कुंद भगवान उन शिष्यों को, उन मुनियों को समझा रहे हैं, ठीक है तुमने मुंडन करते हुए मुनि पद को प्राप्त कर लिया, शिष्य तो बन गए हैं, पर अगर तुम्हारे भीतर शिष्यत्व नहीं है तो तुम्हारा शिष्य बनना, गुरु के प्रति समर्पण और भक्ति नहीं है तो तुम्हारा शिष्य बनना कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ग्रंथों का भी अध्ययन तुम करके रख लेना पर उसके प्रति श्रद्धान नहीं है, देव के प्रति, गुरु के प्रति और शास्त्र के प्रति अगर आपका श्रद्धान और भक्ति नहीं है तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। निरर्थक नहीं, भगवान कुंद कुंद स्वामी तो और खरी भाषा कहते हुए कह रहे हैं कि तुम कभी सदगति को प्राप्त कर ही नहीं सकते, कभी सदगति को प्राप्त नहीं कर सकते। आज पहली गाथा ही पढ़ लेते हैं फिर हम समझते हैं उन शिष्यों की व्यथा, जो आज तक शिष्यत्व को नहीं समझ पाए, जो आज तक शिष्यत्व को नहीं समझ पाए, ऐसे शिष्यों की व्यथा को यहाँ गाथा के माध्यम से भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। पढ़ते हैं 77 नंबर की गाथा को, पढ़ो 77 नंबर की गाथा में भगवान कुछ बहुत अच्छी बात आप जैसे शिष्यों को कह रहे हैं। शिष्य हो ना, शिष्य हो ना तेज कुमार जी, कैसे शिष्य हो बता रहे हैं। 77 नंबर की गाथा को मिलके पढ़ते हैं फिर अर्थ समझते हैं। पदिभक्ति विहीन सदी भिचो जिन समय भक्तिहीन जनो, गुरु भक्तिहीन शिशो दुग्गति मगाणु लगो निदम। आचार्य महाराज ने सभी बातें कह दी, संसार की और संसारातीत होने की, परमार्थ की और लौकिकता की भी। कितनी ही श्रेष्ठ कुलवंती सती क्यों ना हो, पर वह सती अगर अपने स्वामी के प्रति, अपने पति के प्रति भक्ति समर्पण श्रद्धा विश्वास नहीं रखती तो उसका वह सती भेष को प्राप्त करना कोई कार्यकारी नहीं, कोई कार्यकारी नहीं। क्या करे, ये राग की और मोह की ऐसी 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 विडंबना है
कि साक्षात राजा के साथ विवाह होने के बाद भी, रानी बनने के बाद भी कुबड़ी से प्रेम हुआ। नहीं कथा बता, कथाएं तो कई सारी पढ़ ली होगी। राजा की पट रानी बनने के बाद भी राग एक कुबड़े के साथ था, कुबड़े के साथ प्रेम कर गई। कौन कौन? एक रानी मात्र धन दौलत शौहरत ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। पर भीतर की पता नहीं कैसे विषय कषायों की गांठ और पूर्व कर्म के नियोग बनते हैं। राजा का वह वैभव छोड़कर, राजा का वह मलमल का पलंग छोड़कर कुबड़े के पास रात के समय रोज लात खाने चली जाती थी और क्षमा कहती का मांगती थी, क्षमा करना। वो राजा सो नहीं पाया था इसलिए मैं आ नहीं पा रही थी। पढ़ी कथा? कथाओं को तो पढ़ लेना, पर ऐसी 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 ये मर्यादा से रहित होकर विपरीतता को प्राप्त करने वाली वह सती, सती कैसे जो अपने प्रति, अपने स्वामी, अपने सेठ के प्रति ही समर्पण नहीं है। थोड़ा सा निमित्त बाहर क्या मिल गया, दृष्टि पता नहीं कहाँ बह गई। वह जीवन में कभी कभी सदगति प्राप्त नहीं कर सकती। भगवान कह रहे हैं दुर्गति सगाणो मंगलगो, दुर्गति का ही, दुर्गति का ही मार्ग प्राप्त करने वाली है। वह मात्र नाम के लिए, दिखाने के लिए, वेशभूषा के लिए सती है, पर अगर उसका समर्पण और उसकी भक्ति अपने पति के प्रति, अपने स्वामी के प्रति नहीं है, तो वह कभी भी कभी भी कभी भी किसी भी प्रकार से सदगति को प्राप्त, क्या अच्छे स्थान को भी प्राप्त नहीं कर सकती। नियम से दुर्गति का ही भाजक बनने वाली है। कौन माँ? कौन? भक्ति का मतलब ये नहीं है कल पतिदेव के सामने बैठकर पूजा करने बैठ जाना कि यही हमारे पतिदेव है, स्वाष्ट द्रव्य से उनसे पूजा करो, उनके प्रति भक्ति। भक्ति का मतलब एक सा नहीं होता। हाँ, नहीं तो पंचम काले महाराज ने कहा पति की भक्ति करो, सो कल अष्ट द्रव्य की थाली लेके खड़े हो गए कि हाँ अभी रुको आधा घंटा पूजा करके फिर जाना। नहीं, ये पति भक्ति, ये स्वामी भक्ति नहीं। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी मर्यादा का पालन करना। आज तो मर्यादाएं खत्म ही सी हो गई है, आज पतिदेव बचे ही नहीं है। कह दूँ क्या, कह दूँ क्या? एक मित्र के साथ भी जैसी बात नहीं होती वैसे उसको चार लोगों के सामने बुलाया जाता है। पहले तो, पहले का समय था जब माँ घर में कभी उस बेटे के पिता का नाम नहीं लिया जाता था, लिया जाता था? आज तो सीधे नाम से ही पुकारते हैं। बे पता ही नहीं चलता कई घरों में, तो हम तो आहार करने जाते हैं सीमेंट, पता ही नहीं चलता वो बेटे को बुला रहे कि बेटे के पिता को बुला रहे। हाँ, क्योंकि हमने तो यही सुना जब भी माँ पुकारती है तो बेटे के नाम से पिता को पुकारती है। आज तो उसी का नाम लेके पुकारती है और वो सामने आके खड़े हो जाते। मैं क्या, ये इतना बड़ा बेटा? वो फिर समझ में आता, नहीं बेटा नहीं, ये पतिदेव है। क्या मर्यादा है, क्या मर्यादा है, क्या मर्यादा है? थोड़ा तो विवेक रखो। ठीक है, तुम्हारे जीवन साथी है, तुम्हारे पतिदेव है, तो ये सब कुछ तुम्हारो, तुम्हें कमरे में मर्यादा में करना चाहिए था। चार लोगों के सामने तुम ही नाम लेकर पुकारोगे, अरे तुरे करके माँ पुकारोगे, फिर दूसरा क्या पुकारेगा? बेटा क्या पुकारेगा? फिर बेटा भी कहता है अमुक पापा। हाँ, वो तो सीधे नाम लेके कहता है संदीप पापा कहाँ है? नहीं, ये मर्यादा, ये मर्यादा एक महिला की, और मात्र महिला की नहीं, शिष्य की, ज्ञानी की, और तीनों की मर्यादा को आज बोध करा रहे हैं कि हम मर्यादा विहीन क्यों हो रहे। मात्र चंद उन सारी क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए ये घर नहीं बसाया, मर्यादाओं के लिए होता है, मर्यादाओं के लिए होता है। माँ जितनी बुजुर्ग माँ बैठी है, नाम लिया कभी? नहीं, नहीं लिया। और नाम लिया है विश्वास मानना, आज ये विडंबनाएं, खानदान क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि इन मर्यादाओं के उल्लंघन के ही कारण बिगड़ रहे हैं। जहां मर्यादा समाप्त हुई वहां परिवार समाप्त हुआ,
वहाँ परिवार समाप्त हुआ, परिवार की मर्यादा है, पति पत्नी की मर्यादा है, बाप बेटे की भी मर्यादा है। मैंने शायद एक बार कहा था, वह पहले ऐसा समय था पिता अपने बेटे को लेकर अपने पिता के पास कभी नहीं जाता था, आज सर पे रख के घूमते हैं, क्या करें। ये भक्ति और मर्यादा के विहीन किया गया काम कभी कार्यकारी नहीं होता। पुनः समझना माँ, भक्ति का अर्थ एक सा नहीं होता। यहाँ मर्यादा का पालन करना, उनके आगे पीछे वह स्थान क्षेत्र आदि समझकर पुरुषार्थ करना, यही वास्तव में भक्ति है, यही वास्तव में भक्ति है। श्रावकों को भी समझा रहे हैं और साधुओं को भी समझा रहे हैं, अगर तुम शिष्य बने हो ना, ज्ञानी भी बने हो, शिष्य भी बने हो, तो पहले देव शास्त्र गुरु की मर्यादा का, उनकी भक्ति का, उनके समर्पण का परिचय दो, और फिर तुम अपने भेष को प्राप्त करने का डंका पिटवा लेना, अन्यथा तेरा भेष कार्यकारी नहीं, कार्यकारी नहीं है। कितनी ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री, कितना खाद पानी अच्छा क्यों ना हो, पर अगर भूमि ऊसर है तो कभी भी फसल अच्छी नहीं आ सकती, कभी भी फसल अच्छी नहीं आ सकती। वह जैसे भूमि का उर्वरा होना आवश्यक है, ऐसे ही तेरे भीतर भक्ति के अंकुरण वह होने के लिए, श्रेष्ठ कार्य का अंकुरण होने के लिए, तेरे समर्पण, तेरी श्रद्धा की ये भूमि उर्वरी होने आवश्यक है। क्या करे, कितना ही श्रेष्ठ परिवार, कितना ही धनवान परिवार क्यों ना हो, पर अगर घर में, परिवार में माँ नहीं है, एक आध बार पिता नहीं है, तो माँ फिर भी पिता का रोल अदा करते हुए पूरे परिवार को साथ लेकर चलती है। पर उन घरों को देख लेना, उन परिवारों में देख लेना, जिनके परिवार में माँ नहीं है, उनके यहाँ परिवार और परिवार की व्यवस्था ही नहीं है। जैसे बिना माँ के परिवार अधूरा है, ऐसे ही भक्ति के बिना तेरा जीवन अधूरा है, भक्ति के बिना तेरा जीवन अधूरा है। महिलाओं के लिए कह दिया, तुम्हें अपने पति के प्रति भक्ति चाहिए। उन नौकरों को भी कह दिया, तुम्हें अपने स्वामी के प्रति भक्ति चाहिए। जो ज्ञानी अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मान रहे हैं, उनके लिए भी कह दिया, जिनेंद्र भगवान और जिनागम के प्रति तुम्हारी भक्ति चाहिए। और शिष्य बन रहे हो तो शिष्यों से भी कह रहे हैं कि गुरु भक्ति के बिना शिष्य शिष्य हो ही नहीं सकता। पर पुनः ये ध्यान रखना, भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं है, भक्ति का अर्थ वह ताल मृदंग बजाकर नाच गाना करते हुए मंदिर के टेबल, बेंच, चम्मच, करछली तोड़ देना नहीं है। वो तो टूट गए बजा बजा के, नहीं। हमारा मिथ्यात, हमारे पाप अगर टूट रहे हैं, तो वही वास्तव में भक्ति है, वही वास्तव में भक्ति है। ये ध्यान रखना, माता पिता तो फिर भी तुम्हें मात्र जन्म देने वाले होते हैं, पर जीवन को और तुम्हारे जन्म मरण को बदलने वाले कोई होते हैं तो दिगंबर गुरु होते हैं, अन्य कोई नहीं होता। इसलिए उन गुरु के प्रति भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण की बात तो थोड़ी समझ लो, थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ करो। आज तक बाहर के सर्कल पर घूमते घूमते बहुत कुछ काम किए, गुरु की सेवा की, हाथ पैर गला मतलब शरीर दबा दिया, गला भी दबाना नहीं छोड़ रहे आजकल। मात्र इन बहिरंग क्रियाओं से आपकी सेवा, आपका भक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा। मेरे मन वचन काय से कभी देव सास गुरु को, भगवान को तो कुछ विकल्प नहीं है, गुरु को भी आपसे कोई विकल्प नहीं है। पर ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये निर्ग्रंथ गुरु गुरु है, उन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, पर क्या वो इंसान नहीं है डॉक्टर साहब, क्या वो इंसान नहीं है?
समस्या यही है कि हम जिस अवस्था में जो है उसे उस अवस्था से बहुत ऊंचा कुछ सोचते हैं और इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लेके जीते हैं। और समस्या यही होती है, माँ चाहे बच्चों से एक्सपेक्टेशंस हो, बच्चों के पिताओं से एक्सपेक्टेशंस हो, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस होती है, वह कभी तुम्हारे लिए जीवन में योग्य बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगे, फिर तुम परीक्षा करोगे और जहाँ परीक्षा है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, वात्सल्य हो नहीं सकता। हम प्रेम वात्सल्य के साथ देवशास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास करें ना। हाँ, ये आगम में लिखा है, ये सत्य लिखा है, गुरु गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पर ध्यान रखना, गुरु बनाने से पहले परीक्षा कई है, गुरु बनाने के बाद कोई परीक्षा और कोई किंतु परंतु नहीं है। हम मानते तो है महाराज जी आप जैसा कहो, पर किंतु हो गया काम। जहां वास्तव में किंतु परंतु नहीं है, वही तुम्हारी गुरु के प्रति सच्चा समर्पण और भक्ति है। मानने को हम तैयार है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो महाराज, पर किंतु थोड़ा सा ऐसा वैसा, कहीं ना कहीं तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे समर्पण में, तुम्हारी श्रद्धा में कमी है। जहां थोड़ी सी भी श्रद्धा में और भक्ति में कमी आ गई, विश्वास मानना, तुम्हारा नियम से तुम्हारा वह पुरुषार्थ मात्र और मात्र निरर्थक है। भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं कि वो तो दुर्गति का ही भाजक है। आप अपने बारे में सोच लेना कि मेरा वास्तव में देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति समर्पण मेरी है कि मात्र प्रदर्शन चल रहा है, मात्र दिखावा चल रहा है। दिखावे से दुर्गति ही होगी, सच्ची भक्ति मेरे भीतर होनी चाहिए। जिनागम में लिखे हुए एकाद अक्षर के प्रति, एकाद शब्द के प्रति भी अगर तुम्हारा श्रद्धान कम डामाडोल हो रहा है, तो नाम के आगे जैन लिखना किंचित भी उचित है ही नहीं। है ही नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे जिन समय भक्तिहीन, जिन समय, समय याने जिनागम जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र भगवान और जिनागम के पास प्रति तुम्हारी अगर भक्ति नहीं है, तुम भक्ति से रहित हो, तो तुम भी दुर्गति के भाजक हो। कितने ग्रंथ, कितने पन्ने, कितनी गाठाई रट के रख लेना, पर काम बनने वाला नहीं है। भक्त बनो, कम भक्त मत बनो। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कम भक्त रितेश मत बनो। भक्त का अर्थ होता है मां जुड़ना, भक्त का अर्थ होता है जुड़ना। कितने जुड़े? ऐसे 24 घंटे पैर पकड़ के बैठ जाना, ये भक्त नहीं है। हम हृदय से, श्रद्धा से कितने जुड़े, कितने उनकी आज्ञा का परिपालन कर रहे हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। श्रावकों के लिए कहा रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, ये आगम में नहीं लिखा ना? लिखा है, पर मानते हैं ना? अब बोलो, अब सब हाँ कह रहे हैं। पहले हाँ कह रहे थे, अब हाँ कह रहे हैं। कुछ भी कहते रहो, आगम के एक अक्षर पा भी तुम परिपालन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी अभी आगम के प्रति, जिनेन्द्र देव के प्रति भक्ति नहीं है। और भक्ति नहीं है तो नियम से जाने वालों दुर्गति में हो। नियम से दुर्गति में जाने वाले हो, श्रावक के लिए नहीं, साधु के लिए भी कह रहे हैं। आगम में लिखा है कि पंचम काल में एकल विहार नहीं होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।